नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। ये सब क्यों, किस लिए, किसके लिए? ये जंग, ये मौत, ये नफरत, ये दंगे, ये फसाद, ये भूख, ये बीमारी, ये खौफ। जाने हमारा अंत क्या होगा। ये दुनिया जो सबकी है, हम जंग और नफरत के बिना भी इस दुनिया में जिंदा रह सकते हैं। इंसान की छाती तो मोम की तरह नाजुक है, जिसे सिर्फ होठों की या उंगलियों की जुम्बिश यानी हरकत से महसूस किया जा सकता है। मेरा नाम मानस है, मैं एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हूं। मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत जिसे अमन और शांति विरासत में मिली है। मैं दुनिया की शांति के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए नई नई मशीनें ईजाद करना चाहता हूं। क्या मैं एक ऐसा आदर्श संसार बना सकूंगा? शायद नहीं, शायद हाँ। हेलो मिस्टर कामरीद, मैं शैतान, वही शैतान, पहचाना मुझे? तुम्हारी और मेरी जंग उस वक्त से जारी है जब तुमने और मैंने जन्म लिया था, और शायद तुम्हारी और मेरी पैदाइश का वो दिन था। उस वक्त मैंने कसम खाई थी और किसी से वादा भी किया था कि मैं तुमको कभी सुख और शांति से जीने नहीं दूंगा। क्या बना रहे हो? अपने आला दिमाग से तुम नई नई मशीनों की ईजाद कर रहे हो, नया इतिहास लिखना चाहते हो। मैं भी एक नया इतिहास लिखना चाहता, मगर तुम्हारे संसार के कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, यू नो हू। लेकिन आज से तुम इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, अकलमंद इंसान यानी मानस, तुम और मैं पार्टनर हैं। तो मानस, सुन लो तुम्हारी आने वाली जिंदगी के शो का प्रोग्राम। नो लव, नो इमोशंस, नो रोमांस, नो जज्बात, एंड नो मदर, ओनली केवल अशांति, अशांति, अशांति।
मोहम्मद इस्लाम। क्या बात है माँ? ये मानस अभी तलक नहीं आया। बस करो माँ, बहुत हो चुका काम और इंतजार, तुम थक गई होंगी, जाकर सो जाओ, समझी? तू भी तो जग रहा है। वो बात और है माँ, लेकिन तुम जाकर सो जाओ। कल महिला समाज का सालाना जलसा है, सारे साल का लेखा जोखा तैयार करना है, और ये मानस अभी तलक नहीं आया। मेरे दिमाग का कंप्यूटर। दिमाग का कंप्यूटर? हाँ। ये कंप्यूटर पढ़ते पढ़ते कहीं तू भी मानस की तरह कंप्यूटर न बन जाइयो। हे राम, एक जना तो पहले ही कंप्यूटर में अपनी आत्मा खो चुका है, और दूसरा जना भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। ये तुम बार बार अपनी घड़ी क्यों देख रही हो माँ? कुछ चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। जी। फिर हमें उन चीजों की आदत सी हो जाती है, जैसे कि तुम मेरी आदत बन चुके हो, वैसी ये घड़ी भी मेरी आदत बन चुकी है। माँ। जा, थोड़ी देर आराम कर लो। जी। और हाँ, बत्ती भी बुझा दो। बहुत अच्छा। मुझे किसी तरह सुला दे, मुझे नींद नहीं आती। नींद? हाँ माँ, 6 गोलियां तो खा चुका हूँ नींद की, फिर भी मुझे नींद नहीं आती माँ। माँ तू कितनी अच्छी है माँ, तेरे पांव कितने नाजुक और पवित्र है, तेरे हाथ कितने मुलायम और खूबसूरत है माँ, तेरे होंठ कितने मेहरबान और रहीम है। बस कोई तरकीब कर और मुझे सुला दे माँ। तू सोएगा भी कैसे, ये तूने अपनी चारों दिशाओं में आत्मा से खाली कंप्यूटरों का जाल जो लपेट रखा है, और तू उसमें एक चुटकी भर इंसान की तरह फड़फड़ा रहा है। चल, मैं तुझे लोरी सुनाती हूं जो मैंने बचपन में कभी तेरे लिए ही बुनी थी, इससे तुझे जरूर नींद आ जाएगी बेटे। माँ ये लोरी क्या होती है? लोरी एक मंत्र है बेटे, जो संसार के पहले बच्चे के कान में उसकी माँ ने उसे सुलाने के लिए फूंका था। ले जा रहे हो ड्राइवर? हाउ आर यू मिस्टर कामरी? शैतान, मैं चंद दिनों के लिए इराक और ईरान क्या चला गया कि तुमने मां की गोद में सर रखकर लोरियां सुननी शुरू कर दी? बेवफा मानस,
तुम नहीं जानते तुम्हारी इस किस्म की जज्बाती हरकतों से इंसान की तरक्की में कितनी रुकावट पड़ सकती है। लेकिन लोरी तो एक मंत्र है जो संसार के पहले बच्चे के कान में उसकी माँ ने उसे सुनाने के लिए फूका था। किसने कहा? माँ ने। माँ? मेरी माँ ने। माँ, इस दुनिया में माँ मेरे काम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। लगता है मुझे बच्चा पैदा करने का सारा सिस्टम बदलना पड़ेगा। शिट, नो, कम ऑन, शैतान। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा इस बार का ट्रिप कैसा रहा? पेपर नहीं पढ़ते क्या? सारा अखबार मेरे कारनामों से भरा होता है। But Mr. Comrade, let me tell you, मैं बहुत अकेला पड़ गया और काम बहुत फैल गया है। वियतनाम, लिबनान, कंबोडिया, फलस्तीन, अफगानिस्तान वगैरह वगैरह वगैरह, जहां से भी एक पल के लिए हटता हूं लोग साले अमन और शांति की बातें करने लगते हैं। क्या अब हम कभी अमन और शांति में सांस नहीं ले सकेंगे? Stop it! Stop it! दुनिया की पहली बड़ी लड़ाई, उसके बाद दूसरी बड़ी लड़ाई, ये दो लड़ाइयां अगर नहीं होती तो क्या इंसान इतनी तेजी से आसमान पर उड़ सकता था? और तुम एटम बम और कंप्यूटर बना सकते थे? नो मिस्टर कामरेड, नो, नेवर। लेकिन इन लड़ाइयों में कितने लोग मारे गए हैं शैतान? तो क्या अगर जंग न होती तो लोग जिंदा रहते? मर जाते फिर भी पानी में डूबकर, बीमारी से, भूख से या फिर बुढ़ापे से। लोरी सुनना छोड़ दो और काम करो, वो काम जो मैंने तुम्हें बताया है। लेकिन मैं ऐसी चीजें ईजाद करना चाहता हूँ जिनसे हमारे दिमाग के साथ साथ हमारी आत्मा के भी दरवाजे खुल जाए शैतान। मस्ट यू ओबे मी, तुम वही काम करोगे जो मैंने तुम्हें बताया है मिस्टर खामरीद। Goodbye, Mr. Comrade. Long live the King of Darkness. Congratulations. आखिर हम अपने मिशन में कामयाब हो ही गए। बड़ी बड़ी बातें करता था, अपने आप को मानस कहलाता था, दुनिया में सिस्टम और डिसिप्लिन लाना चाहता था, शैतान की हुक्मदूली करता था। लेकिन उसे ये नहीं मालूम सर कि इतना बड़ा सर शैतान मानस का बाप है। Shut up! खुशी का इजहार कमजर्फ लोग किया करते हैं। याद रहे, इस दुनिया में जब तक आखिरी आदमी, आखिरी इंसान बाकी है, आखिरी घर और आखिरी मकान बाकी है, तब तक ये जंग यूं ही चलती रहेगी। ये सिलसिला जेनरेशन टू जेनरेशन, नस्ल दर नस्ल यूं ही जारी है और यूं ही जारी रहेगा। अंडरस्टैंड? एंड नाउ चीयर्स माय डियर कॉमरेड। इंसान मुर्दाबाद, शैतान जिंदाबाद। हमारी प्रॉब्लम्स पूरी इंसानियत की प्रॉब्लम्स है। हम एक दूसरे के साथ जज्बाती रिश्तों में बंधे हुए हैं और ये जज्बाती रिश्ते ही हमारी तरक्की के रास्ते में एक एक बहुत बड़ी रुकावट है। हमें इन जज्बाती रिश्तों से ऊपर उठकर इंसानी दुनिया के फायदे के लिए बहुत कुछ करना है। तो मैं ये कह रहा था कि इंसानी दुनिया के फायदे के लिए हमें बहुत कुछ करना है। मुझे ऐलान करते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि आज हमारी कंपनी दो नए कंप्यूटर्स बनाने जा रही है, कंप्यूटर एम और कंप्यूटर एफ। कंप्यूटर एम
यानी मेल कंप्यूटर, और कंप्यूटर रेफ यानी फीमेल कंप्यूटर। इन दोनों कंप्यूटर के लिंक से हम एक और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली तैयार कर सकेंगे, कंप्यूटर बी यानी के बेबी कंप्यूटर। कुछ विद्या के बारे में बताइए आचार्य भारत जी। सुंदर, सुगर, सुशील, कोई पद्मिनी जैसी कन्या का सपना देखे तो साक्षात विद्या ही दिखाई दे उसे। सच पूछे आचार्य जी, जितने बरस विद्या आपके सरस्वती निकेतन में रही है उतने ही बरस मैंने मानस के घर बसने का इंतजार किया है। ये आंखें उसे कब देखेंगी? मैं उसे साथ ही लाया हूँ। कहाँ है वो? मेरा एक पुराना विद्यार्थी है प्रभात, उसके घर पर छोड़ आया हूँ। क्या सोच रही है? एक शब्द। शब्द? हाँ आचार्य जी, और तुमने इन 14 सालों में मुझे अनगिनत शब्द सिखाए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही शब्द याद रख सकी। उस एक शब्द से मेरी सारी कायनात और मेरा आवागमन बंधा हुआ है, और वो शब्द है मानस। मानस? मैं 7 साल की थी जब मेरी माँ ने मरते समय उसकी माँ से वचन लिया था, और तोहफे में मुझे यही एक शब्द अता किया था। क्या वो शब्द इतने साल बाद तुम्हें इस रूप में पहचान सकेगा? ओम के 3 अक्षरों में और सापसा के 3 सुरों में तो सारी कायनात बंधी हुई है, और मैं भी एक शब्द से जुड़ी हुई हूँ, अपनी आत्मा और शरीर के साथ। हाँ शायद मेरे नाम बदलते रहे हैं और शायद बदलते रहेंगे, मैं जन्म जन्म से उसकी हूँ, पर ये नहीं जानती इस बिखरती हुई नई और मशीनी दुनिया में वो अब भी अपनी विद्या का होगा या नहीं। काश तुम्हारा शब्द तुम्हारी कल्पना की तरह सच्चा निकले। हाँ प्रभात, कल एक युग के बाद मैं अपने मानस से मिल रही हूँ। मिस्टर खामरी, अब क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी माँ की वजह से परेशान हूं। माँ, यू नो, तुम्हारी माँ मेरे और तुम्हारे बीच एक ऐसी चीज लाना चाहती है जिसे मैं हेट करता हूं। हेट? डैम इट शैतान! नो मिस्टर खामरी, नो, डोंट गेट मैड, गुस्सा बहुत बुरी चीज है सेहत के लिए। था
मोहम्मद इस्लाम, खो जाते हो भाई। आया भैया, आया आया मोहम्मद इस्लाम। अरे सुनो सुनो, देखो आप घर, ये मेरे कमरे, इधर कमाल हो गया। ठहरे रहो ठहरे रहो, फिर आप वहां पहुंच गए। मोहम्मद इस्लाम, देखो मोहम्मद इस्लाम, ये मेरे कमरे में कौन कहां से आई? मौजूदा सिचुएशन पर एक शेर सुनाता हूँ। हरी अप हरी अप। जान निकला तो हमने वहशत में, जिसको देखा उसी को चूम लिया। जान, जान मेरा मतलब लड़की, बिस्तर, सितार, फूल, वो मेरा कमरा तो नहीं हो सकता। नहीं तो फिर मेरा कमरा कहाँ है? वहीं जहाँ था मोहम्मद इस्लाम। उस कमरे में तो एक लड़की लेटी हुई है। लड़की या उसका ढांचा? सर से पांव तक लड़की ही लड़की। मगर भैया तुमको तो लड़की में हमेशा ढांचा नजर आता है। मोहम्मद इस्लाम, लेकिन वो लड़की है। हाँ, वो जान जो खिड़की से दाखिल हुआ और बिस्तर पर सो गया, वो जान जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक जिंदगी में चांदनी बरसाने आया है, उसका नाम है विद्या। माँ कहाँ खो गई थी? माँ सपनों के संसार में। जैसे ही मैं तुम्हारी शादी के मंडप तलक पहुंची, तुमने आगे बढ़कर मुझे जगा दिया। एक बात साफ साफ कह देता हूं मां, तुम्हारी ये बात मैं हरगिज़ नहीं मान सकता। और शादी, व्हाट इज दिस शादी मां? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मां? तुम मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो मानस, तुम इस तरह मेरी तौहीन करके नहीं जा सकते। तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम मेरे शरीर से बने हो, मेरी आत्मा भी तुम्हारे अंदर सांस ले रही है। मैं तुम्हारी मां हूं। लेकिन मां, ये औरत, जब मैं किसी औरत को देखता हूं तो वो एक स्केलेटन दिखाई देती है। अब तू ही बता मां, मैं एक हड्डियों के ढांचे को अपनी जिंदगी से कैसे बांध सकता हूं? तो क्या मैं भी तुझे स्केलेटन नजर आती हूं? नहीं, इतिफाक ये है कि तुम में मुझे सिर्फ मां नजर आती है, सिर्फ मां। मुझे अफसोस है मानस, तुम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना साहित्य, सब कुछ भूलते जा रहे हो। अगर संसार में औरत न होती तो फूलों में खुशबू न होती, जल शीतल न होता, हवा में लहर न होती, रोशनी में चमक न होती। भगवान ने धरती से जाकर प्रार्थना की कि वो अपने आप को औरत के रूप में ढाल ले, और धरती ने भगवान की ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुम प्रकृति के इतने बड़े वरदान को एक हड्डियों का ढांचा कहते हो? अगर औरत न होती तो तुम न होते। लेकिन माँ, हम अब कंप्यूटर M और कंप्यूटर F बनाने जा रहे हैं। अब बच्चे की पैदाइश के लिए किसी मर्द, किसी औरत की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। बस बस, आगे कुछ मत बोलो। जाओ और जाकर बनाओ ऐसे यंत्र जिनसे सृष्टि के सारे रंग, सारा संगीत और सारी आत्माएं अंधी और अपाहिज होकर मर जाए। उनकी आहट का इंतजार भी है, उनकी आहट से डर भी लगता है। माँ चाहती है कि मैं तुमसे शादी कर लूं, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों? तुम ज्ञान की सुंदर कल्पना हो और मैं केवल एक विज्ञान हूं। हम दोनों एक दूसरे की दुनिया में दो अजनबी आत्माओं की तरह है। आत्मा तो जन्म जन्मांतर से ताल्लुक का वो एहसास है
जिसे दुनिया का कोई विज्ञान कभी नहीं तोड़ सकता। दुनिया में कोई चीज अटूट नहीं है, जैसे आईना। समुद्र की लहरें अगर तुम्हारे कदम चूम लेती हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं कि तुम उन पर चल भी सकते हो। गॉड, गॉड, तुम आत्मा और रोमांस के पिंजरे में बंद केवल एक कल्पना हो। मुझे आने वाली दुनिया का निर्माण करना है। प्लीज तुम मेरी दुनिया से दूर चली जाओ, बहुत दूर। लेट मी ब्रिंग इन द कंप्यूटर रेवोल्यूशन। अच्छा, तो तुम अंकों की क्रांति लाना चाहते हो, लेकिन इसका कारण? जब तुम लोग कल रेडियो ऑन करोगे, तुम्हें हर कारण का जवाब मिल जाएगा।